हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोग का अपने नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बाढ़ राहत का पैसा के बारे में। जिनको जिनको 6,000 रुपया मिल गया है, जिनको नहीं मिला है, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मोबाइल पे करके बताऊंगा कि आप किस तरह चेक कर सकते हैं कि पैसा आया है नहीं आया। साथ ही आपको इस वीडियो में मैं लिस्ट भी दिखाऊंगा कि कैसे पता करें कहाँ पैसा आया है या नहीं आया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसके साइट पे आ जाना है, digistermanagement.bhr.nic.in पर आना। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेली फ्रॉड रिपोर्ट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा ये PDF आ जाएगा। PDF को आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लीजिएगा PDF तो आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। सारा कुछ, जिला का नाम दिखाएगा, प्रखंड का नाम दिखाएगा, साथ ही पंचायत का नाम दिखाएगा और जनसंख्या भी आपको दिखाएगी। तो सारा कुछ ये दिखा देगा। इसमें आपको जितने भी जिले हैं जहाँ जहाँ पैसा गया है सारा कुछ आपको इसमें बता देगा। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम चेक करें कि अकाउंट में पैसा आया है नहीं आया। तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने ब्राउज़र पे जाना है। ब्राउज़र पे आपको लिखना है PMFS। पहले अपने ब्राउज़र खोल लीजिएगा, गूगल ओपन ब्राउज़र, क्रोम ब्राउज़र, कोई भी, उस पर आपको PFMS लिखना है। और वहाँ पर आपको क्या होगा, उसका साइट आपको नीचे में आ जाएगा। उस पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। PFMS पे क्या करना है, क्लिक करना है। PFMS पे आपको क्लिक करना है तो एक और इंटरफेस आप लोग के सामने आएगा। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा एक नया पेज आप लोग के सामने खुल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको स्क्रॉल करके नीचे की ओर जाइएगा। क्या कीजिएगा, स्क्रॉल कर लीजिएगा। इस तरह का आपको जो दिख रहा है इंटरफेस, यही वाला खुलना चाहिए। और नीचे की ओर जाइएगा, वहाँ पर आपको नाउ योर पेमेंट्स लिखा होगा। नाउ योर पेमेंट्स पर क्या करना है, क्लिक करना है। नाउ योर पेमेंट्स खोलिए पर क्लिक कीजिएगा तो फिर एक नया पेज खुलेगा। तो आपको क्या करना है, इसमें बैंक का नाम डालना है, जिस बैंक का से आपका खाता है उसको क्या करना है, यहाँ पर डालना है। तो मेरा स्टेट बैंक से है तो मैं स्टेट बैंक डाल देता हूँ। आप लोग का जिसका होगा वो डालिएगा। तो कोशिश करिएगा कि स्टेट बैंक लिखने के साथ ही जो ऑप्शन में अगर आ रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वगैरह, तो उसको आप ऑप्शन को वाले को वहाँ पर डाल दीजिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट आता भी है और नहीं आता है। तो इसके लिए आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखने से पहले आपको ऑप्शन में आ जाएगा उसके जो, अच्छा देखिए आ गया ऑप्शन में। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ऑप्शन वाले को क्लिक कर दीजिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्या करिएगा, क्लिक कीजिएगा। फिर इसमें नीचे में क्या करना है, आपको अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद आपको नीचे में अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद नीचे में फिर कंफर्म अकाउंट नंबर डालना है। तो ये दोनों डालने के बाद उसके बाद वर्ड वेरिफिकेशन है जो ऊपर में दिया वो डालना है, और नीचे जाके सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सर्च पे आप क्लिक कीजिएगा, आपका सारा डिटेल्स आपको दिखा देगा कि पैसा आया है कि नहीं आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा कुछ सामने आ गई है। तो इस तरह से आप अपना पैसा चेक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपका पैसा आया है या नहीं आया। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।